आश्चर्य मयशत मीडिया मसल और मां अस्सलाम वालेकुम चैनल एम5 से नसरीन हुसैन परवेज आपसे مخاطब है ये स्क्रीन पे जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं शुएब हाशमी साहब आगही और विट के हवाले से बेहतरीन टीवी प्रोग्राम करने वाला ये शख्स बिलाशुबा एक अजीम उस्ताद एक अजीम आर्टिस्ट और उनका ब्रेन चाइल्ड जो विट ह्यूमर और कॉमेडी में एक फ़र्क है उस फर्क को ख़त्म करा कर जिस तरह जिस तरह हम तहरीरी हवाले से हम मुश्ताक अहमद यूसफी को और दूसरे मजाह नगारों को देखते हैं और दूसरी तरफ हम मोइन अख्तर को देखते हैं और तीसरी तरफ हम उमर शरीफ को देखते हैं और बश्र अंसारी को देखते हैं तो कॉमेडी और ह्यूमर में ज़मीन आसमान का फर्क है उस फ़र्क को अगर सबसे पहले किसी ने वाजे किया पाकिस्तान टेलीविजन से तो वो शुय हाशमी थे उन पर इतना प्रोग्राम हो चुका है सब कुछ के मेरे कुछ भी कहने का मतलब होगा सूरज को चराग दिखाना जो बात कहने के लिए मैंने कहने के लिए ये क्लिप करना पड़ा है एक तो उनको ट्रिब्यूट पेश करना है मेरे चैनल का एक हिस्सा जो है वो मीडिया के हवाले से है और पीटीवी मेरा तो थीसिस ही पीटीवी ड्रामा एंड सोशल चेंज है तो जो काम पीटीवी ने किया वो कोई और टेलीविजन ना आज तक कर सका है और ना ही कोई करने की उम्मीद नजर आती है शुएब हाशमी साहब का कमाल ये था कि उन्होंने कभी अपने सुसर यानी कि फैज अहमद फैज को कभी कैश नहीं किया शुएब हाशमी के पास खड़े होने के लिए अपने पैर थे ये बात कहने के लिए मैंने ये क्लिप किया है अपने पैर थे और अपने पैरों पर जमकर वो शख्स खड़ा रहा जबकि फैज की बेटियां एक बेटी ठीक थी शुएब हाशमी साहब की बेगम सलीमा अहमद उनकी आ, कुछ है उनका अपना आर्ट था वो आर्टिस्ट भी अच्छी थी और वो एनसीए में भी पढ़ाती भी रहीं और वो भी बेहतरीन टीचर कहलाती थी बेहतरीन प्रोफेसर थी लेकिन छोटी बेटी मनिज़ा हाशमी उनके एक बेटे में टैलेंट है कुछ थोड़ा बहुत मैंने देखा मैं उसका नाम भूल रही हूँ वो लड़का अच्छा आर्टिस्ट है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी नाम था साथ में नाना का और इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टैलेंट होता है लेकिन उनके पास नाम नहीं होते नाम नहीं होते बैकग्राउंड में पस मंजर में कोई हेरिटेज नहीं होता कोई उनको घास डालने वाला नहीं है लेकिन शुैब हाशमी के लिए बिला शुबा कोई एक उंगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने फैज़ अहमद फ़ैज़ का दामाद होने की वजह से शोहरत हासिल की या उनको टी वी पर काम मिला तो फैज़ अहमद फैज फैस का दामाद होने की वजह से मिला नहीं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के लोग रावियंस कहलाते हैं उनके यहाँ ड्रामे की एक बड़ी पुरानी ट्रेडिशन मौजूद है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी ड्रामे होते थे और शुब हाशमी साहब वहाँ से ही वैसे तो वो प्रोफेसर थे किसी और सब्जेक्ट के लेकिन ये उनका सब्जेक्ट नहीं था लेकिन जो काम उन्होंने किया जितना खूबसूरत विट उन्होंने लिखा टाल मटोड़ बहुत अच्छा बहुत अच्छा विट था और अल्लाह करे दुआ है कि काश लोग अपने पैरों पर जम कर खड़े होने का सलीका सीख लें जिसमें विट में भी विट के साथ कॉमेडी में हमें सिर्फ एक मोइन अख्तर नजर आते हैं उनके बाद सिर्फ मोन अख्तर बाकी एक खातून थी जो बड़ी वर्सटाइल आर्टिस्ट थी बशरा अंसारी लेकिन उन्होंने अपने कमर्शलम को इतना आगे कर दिया कि वो बिल्कुल गटर में गिर पड़ी है वो भी उसके बाद हम कह सकते हैं कि जेबा शहनाज उनके बाद नहीं पैरेलल जेबा शहनाज 50-50 फेम सब जानते हैं बेहतरीन बेहतरीन आर्टिस्ट इस हवाले से लेकिन बेचारी का कोई आगे पीछे नहीं है और उसमें वो लटक चटक मटक और वो बेहूदगियाँ नहीं हैं जो बशरा अंसारी नेख्तियार लिहाजा वो ना तो कभी किसी अवार्ड के मुस्त करार पाई ना ही उनको वो पज़ीराई हासिल हुई अल्लाह करे कि पाकिस्तान के आर्ट कल्चर और मीडिया पर खुदा करे कि वो वक्त आ जाए कि लोगों को उनके मेरिट पर नवाजा जाने लगे और इसी दुआ के साथ अपनी गुफ्तु के इस हिस्से को मैं ख़त्म करती हूँ और एक दूसरा मौजू अब आप मुलाजा करेंगे इसे मुखातिब है जनाब कोई भी बुराई आपको उस वक्त तक बुरी लगती है जब तक उससे बड़ी बुराई सामने ना आए और आप कहें कि अरे इससे तो बेहतर वो लोग कम अज़ कम ऐसे तो नहीं हैं वहाँ सूरत हाल ऐसी तो कभी भी नहीं हुई तो आज मैं वही बात आपसे करने जा रही हूँ एक तो हम अपने रास्ते से हमें हटना पड़ा कि हम सिर्फ सोसाइटी को एड्रेस करने के लिए हमने ये चैनल बनाया था सोशो इकनॉमिक एंड ऑफकोर्स मॉरल एंड रिलीजस वैल्यूज़ इन मीडिया इंक्लूडिंग फोकस्ड ऑन मीडिया लेकिन हालात ऐसे हुए कि कोई सवा एक साल बाद इस चैनल के अपलोड करने के बाद हमने देखा सियासत हर चीज़ पर हवी आ रही है हर सेगमेंट ऑफ लाइफ को मुतासर कर रही है तो मजबूरन हमें सियासी आ, लोगों की और सियासी हालात की आ, मुझे ये बात कहते हुए बुरा लग रहा है तज् चूँकि हर आदमी हर औरत को मैं देख रही हूँ वो तजिया नगार है जिसको नहीं पता था तजिया क्या चीज़ होती है आज भी नहीं पता है तजय कौन कर सकता है कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर उसको अबूर होना चाहिए सिर्फ सियासी टॉक शोज़ जो हो रहे हैं उसके लिए भी आपका हिस्ट्री का मताल करंट अफेयर्स का मताल आपको जोग्रफ़िकल जो, जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं उनका जो ग्लोबल अफेयर्स हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनके बारे में मुकम्मल आगही जब तक ना हो और फिर आप कंपैरिजन करके बात करना ना सीखें तो आप कैसे तजय निगार आपको कैसे कहा जा सकता है बस क्या कहें तो मैं वो तरजिये की तो बात नहीं कर रही हूँ मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हमें फिर ये आ, करना पड़ा कि हमें जो सियासत में जो वो बुराइयाँ थीं जिनकी वजह से हर ज़िंदगी मुतासर हो रहा है हमने फिर कोई सात आठ महीने से हमने ख़ास तौर पर हमने ये उस दिन से शुरू किया जिस दिन असम्बलियों की प्राइज़ लगनी शुरू हुई थी और हमने पहला क्लिप हमें अच्छी तरह याद है हमने किया था ज़मीर बरए फ़रोख्त उसकी रिटेल प्राइस और होल सेल प्राइज़ पर हमने बात की थी क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे ये ज़मीर क्या होता है और ये कहाँ फ़रोख्त होता है और इसकी होल सेल प्राइस क्या है और इसकी रिटेल प्राइस क्या है तो हमने उनसे कहा था कि होल सेल प्राइस देखनी हो तो जाके असम्बलियाँ जो बिकती हैं पूरी पूरी सैनट बिक जाती है वो वहाँ देख लो और रिटेल प्राइस देखनी हो तो वो एक, एक 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 बंदे को देखो कि वो कब कहाँ किस कीमत पर बिकता है तो उसको आप कह सकते हैं ये आपके ज़मीर की हैसियत है ये आपके ज़मीर का को वैल्यू किया गया है बहसीियत कौम और बहसीत पर्टिकुलरली मुस्लिम पाकिस्तानी कम्युनिटी वो हम रोज ये तमाशे देखते हैं मौजू ये है कि जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं तकरीबन 27-28 साल से पीपल्स पार्टी की मेरा जाहिर है पीपल्स पार्टी के जो अकाबरीन हैं उनसे ना कोई जारी झगड़ा है ना कोई जमीन का झगड़ा है ना जायदाद का झगड़ा है ना औरत का झगड़ा है लेकिन जब इनकी हद दर्जे बढ़ी हुई सियासी सरगर्मियाँ और ये उस वक्त हुआ जब मैं इलेक्शन कमीशन में गई और वहाँ मुझे पता चला कि ये लोग इलेक्शन कैसे विन करते हैं और कैसे मैनुपलेट करते हैं और करवाते हैं और बदनाम करते हैं फ़ौज को फ़ौजियों को साथ रखते हैं यक़ीन मैं वो उस वाक़े को नहीं दोहराना चाहती वो एक तवील क़स्सा है जिसके बायस ये सब कुछ हुआ कि जाली वोटर लिस्टों पर मुझसे साइन करने के लिए कहा गया मुनवर सोहर वर्दी मरहूम अल्लाह उनकी मफफ़रत करे उनके गुनाह ने कबीरा और सगीरा को बख्शे पर वर्दिगार वो तशीफ लाए थे एक आई एस आई आफसर के साथ तो उस दिन उस उन वाक़ के बाद मुझे पता चला कि वाकई फौज खराब नहीं है एजेंसियाँ ख़राब नहीं हैं ये उन्हें ख़राब करते हैं सियासी पार्टियाँ उन्हें खराब करती हैं लेकिन जो सूरत हाल पी टी आई की औरतों के कुछ मामलात जिस कसम की ज़बान और जिस कसम की गलाजतें ये औरतें जबान पार्क के बाहर खड़े होकर बोल रही हैं मर्द भी नहीं कर सकते सवाल ही पैदा नहीं होता पीपल्स पार्टी की खातिन उनकी करप्शन छोड़ें उनका हब बनाओ सिंगार छोड़ें उनकी जाली डिग्रियाँ भी एक तरफ रखें लेकिन पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग की किसी औरत को हमने इतनी खलीस इतनी बेहूदा इतनी लचर ज़बान लगता है गटर में बैठ के क्लिप कर रही हैं ज़मान पार्क में नहीं जमान पार्क में को बहुत सारे गटर हैं ये उसमें गिरी हुई हैं वहाँ से ये सारे बेहूदगियाँ हो रही हैं तो अब हमें ज़रा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग आ, की जो ख़वा हैं वो बेहतर लगने लगी हैं कि उनकी कल्चरल ट्रेनिंग जो है उनकी जो समाजी तरबियत है वो बहुत बेहतर है इस इमरान ख़ान की तरबियत के मुकाबले में यकीन ये तरबियत इमरान ख़ान और पिंकी ने मिल कर की है पिंकी जिस कस्म की बेहूदा औरत है वो काली जादूगरनी काला जादू करने वाली वाहियात औरत और अब हमारे पास बहुत सारे प्रूफ आए हैं उसके उस काले जादू के जो वो दरबारों में फ़िरौन का दरबार याद आ जाता है फिरौन का दरबार याद आ जाता है सामरी जादूगर याद आ जाता है और सामरी जो है वो पिंकी में कन्वर्ट कर लें और वो ये भूल गई है कि कोई मूसा भी कहीं पल रहा है और वो मूसा जो है वो इस पिंकी की तमाम बेहूदगियों को इसके सारे काले जादू को उठाकर जमीन पर इसको रगड़ा देगा शुरू तो हो गया है अब जो इमरान खान साहब जो हैं वो फंस गए हैं इसलिए फंस गए हैं कि उनकी होशियारियां ही ट्राई टू स्मार्ट प्ले ट्राई टू प्ले वेरी 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 स्मार्ट तो क्या हो रहा है अब उनके साथ और क्या होने जा रहा है अल्लाह खैर करे लेकिन सज़ा ऐसी होनी चाहिए तमाम लोगों के लिए कि आइंदा के लिए हर पार्टी इबरत हासिल करे ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून में या पीपल्स पार्टी में किसी ने कभी फ़ौज को गलियाँ नहीं दी फौज को बुरा भला नहीं का बहुत कहा है सबूत हैं सारे क्लिप्स दिखाए जाते हैं रोज़ाना मेन मीडिया पर भी जरदारी साहब के भी बिलावल के भी मरीम के भी और उनके वालिद के भी लेकिन इस कस्म की गंदी ज़बान गलाज़त ये इन दोनों पार्टियों में से किसी ने इस्तेमाल नहीं की तो इसलिए अब हमें इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग बेहतर लगने लगी है ये है बुराई की ये बुराई की सबसे बड़ी हकीकत है कि जब वो बहुत बढ़ जाती है तो जो ज़रा कम दर्जे की बुराई होती है हम कहते हैं ये ये कम अज़ कम ये ऐसे तो नहीं थे वो नौबत आ चुकी है और लोग कहते हैं जी इमरान ख़ान चाहे तो अपनी बेहुदा औरतों को अपनी वर्कर्स को कंट्रोल कर सकता है लेकिन वो करेगा नहीं चूँकि ये सब कुछ उसकी मर्ज़ी से और उसकी उस बेहुदा बंदरिया जो उसको नचा रही है और सिर्फ़ उसको नहीं रही उसने पाकिस्तान के निज़ाम को नचाने का जो इरादा और मंसूबा बांधा है इन वो मंसूबा बहुत जल्द बहुत जल्द ख़ाक में मिलने वाला है और कैसे मिलेगा उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना तो उस पर हम एक अगले क्लिप में बात करेंगे लेकिन फिलहाल ये कहना था कि गलाजतों के ये ढेर जो जमान पार्क के बाहर बनीगाला के बाहर भी थे जितनी पी की खातिन वर्कर्स हैं वो कम अज़ कम उन मर्दों से उन मर्दों से भी गई गुजरी हैं पीटीआई के जो यूथिया कहलाते हैं जो कम अज़ कम इतनी गिरी हुई ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये वही औरतें जो जिस तरह की वो घरों से हैं जिस तरह की उनकी तरबियत है और इमरान ख़ान ने छांट के पहले है वो ख़वाीन कारकुनों के इंटरव्यूज़ लेते थे जब उन्हें यकीन हो जाता था कि ये वो है जो इंतहाई दर्जे गिर कर गालियाँ दे सकेगी तो फिर फिर वो सलेक्ट करते थे आपका सिलेक्शन और आपका इलेक्शन ये कैसे अब आगे बढ़ेगा ये हम भी देखेंगे खुदाफिज अफानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं अफसानाए हस्ती हम अपने